नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे डायनासोर्स के जन्म और अंत की कहानी के बारे में। डायनासोर्स लगभग लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि पूरे 165 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर मौजूद रहे। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले वह विलुप्त हो गए थे। जिस युग में डायनासोर्स पाए जाते थे उस युग का नाम मेसोजोइक युग था। युग के दौरान तीन अलग अलग काल थे। उन्हें त्रैमासिक, जुरासिक और क्रेशियस काल के नाम से जाना जाता है। वास्तव में डायनासोर्स की 700 से अधिक प्रजाति पृथ्वी पर मौजूद थी, जिनमें से कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। वे भूमि पर घूमते और आकाश में उड़ते थे। कुछ मांसाहारी और कुछ शाकाहारी थे। अंटार्कटिका सहित पृथ्वी पर सभी महाद्वीपों पर डायनासोर्स के जीवाश्म पाए गए हैं। वैसे तो अधिकतर डायनासोर्स बहुत विशालकाय शरीर वाले होते थे, लेकिन कुछ डायनासोर्स की प्रजातियों का आकार इंसान के बराबर भी हुआ करता था। डायनासोर्स छोटे आकार के होते थे। उनका कद 4 से 5 फीट का होता था, परंतु विशालकाय डायनासोर्स का कद करीब 50 से 60 फीट का भी होता था। माना जाता है कि उस समय डायनासोर्स की लगभग 2468 प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद थी, जिनमें से कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी। शाकाहारी डायनासोर्स एक दिन में 1 टन पत्तियां खा जाते थे। डायनासोर्स करीब 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। जिस प्रकार पक्षी अपने अंडों के लिए घोंसला बनाते हैं, वैसे ही डायनासोर्स भी अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाया करते थे। डायनासोर्स के अंडे टेनिस बॉल और फुटबॉल बॉल जितने बड़े हुआ करते थे। डायनासोर्स की लगभग सभी प्रजाति अंडे दिया करती थी, परंतु वैज्ञानिक अभी तक करीब 40 तरह की प्रजातियों के अंडे की खोज करने में सफल रहे हैं। डायनासोर्स के मुंह में 50 दांत होते थे, जिनमें से वह किसी भी अन्य जीव की हड्डियां आसानी से तोड़ सकते थे। डायनासोर्स की पूंछ करीब 45 फीट लंबी हुआ करती थी। सबसे बड़े डायनासोर्स में से एक अर्जेंटीना सारस था, जिसकी उम्र लगभग 300 से 500 वर्ष बताई गई है। दूसरे स्थान पर सबसे क्रूर डायनासोर, जिसका नाम टायरानोसोरस रेक्स था। छिपकली, कछुए, सांप और मगरमच्छ सभी डायनासोर्स के वंशज माने जाते हैं। माना जाता है कि एक शुद्ध ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड के गिरने से सभी विलुप्त हो गए। डायनासोर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ब्रिटिश प्लांटोलॉजिस्ट रिचर्ड ओवेन ने सन 1842 में किया। इसका मतलब होता है कि भयानक छिपकली। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।